साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। उस रेसिपी का नाम है परफेक्ट मुत्तंजन रेसिपी। हमने आपको सिखाया है मुत्तंजन रेसिपी का एपिसोड नंबर हमने बंद कर दिया था। हम आज बनाएंगे मुत्तंजन का एपिसोड नंबर 2। ये थोड़ा मुनफरद होगा, थोड़ा यूनिक होगा, उससे हटके होगा जो हमने एपिसोड नंबर 1 किया था मुत्तंजन का। तो अब सेकंड एपिसोड करेंगे हम मुत्तंजन का, जो परफेक्ट मुत्तंजन होता है। सब बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं, इतना लजीजा बन के तैयार होता है। शादियों में जा रहे होते हैं, पंजाब की शादी में जा रहे होते हैं, मुत्तंजन मिल रहा होता है, उसे कहते हैं मीठे चावल। तो हम तो पंजाबी हैं नहीं, हम तो मीठे चावल कह देंगे, हम तो इसे मुत्तंजन कह देंगे, हम जर्दा कहते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता। रेसिपी शेयर करेंगे वो होगी परफेक्ट मुत्तंजन रेसिपी। बिल्कुल मेजरमेंट के हिसाब से आज हम आपको सिखाएंगे मुत्तंजन बनाने का सही तरीका। और अपनी रेसिपी को करते हैं सर। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको आसानी से रेसिपी समझ आ सके। तो अब हम मुत्तंजन बनाने की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मुत्तंजन बनाने के यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ 1/2 kg सेला चावल लिए, जिसे हमने 2-2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपने अंदर पानी सोख करते हैं। इसलिए आप जितना इसको भिगो के रखेंगे रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा आपके मुत्तंजन का। इसलिए आपको चाहिए ज़्यादा इसको भिगो के रखें सेला चावलों को। इसके लोग बिरयानी ये बनाते हैं, मगर ज़्यादातर इसका जर्दा बन के तैयार होता है। देख सकते हैं 4 अदद हमने लौंग लिए हैं, 6 अदद हरी इलायची लिए, हसबे ज़रूरत हमने किशमिश, हसबे ज़रूरत बादाम, हसबे ज़रूरत पिस्ते। आप इसके अंदर खोपरा भी ऐड कर सकते हैं, काजू भी ऐड कर सकते हैं, अखरोट भी ऐड कर सकते हैं। पिछले हमने जो बनाया था मुत्तंजन उसमें ऐड किए थे, इस बार हमें मुनफरद करा है। और भाई मुत्तंजन की जान रौनक शान ये हैं हमारे छोटे छोटे चमचम रसगुल्ले, जिसे कहते हैं मेरे फेवरेट। यहाँ हमने ले ली है अशरफी, जिसे हम कहते हैं टूटी फ्रूटी ग्रीन येलो रेड। और इसे हमने गार्निश करना है खोए से, तो यहाँ हमने ले लिया है खोया। तो ये चीज़ें चाहिए हम मुत्तंजन बनाने के लिए। तो उसमें जो मजीद चीज़ें इसमें ऐड करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप को गाइड करते रहेंगे। तो चलते हैं प्रॉपर अपनी रेसिपी की, रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। हमने पानी को अच्छी तरीके से बॉयल कर रहे हैं, क्योंकि हमें पानी को अच्छी तरीके से बॉयल करने के बाद इसके अंदर भीगे हुए चावल ऐड करने हैं, सेला चावल। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बॉयल हुए पानी के अंदर भीगे हुए सेला चावल ऐड कर रहे हैं हम। ये उसमें सेला चावल इसमें ऐड कर दिया, पानी हमने इसमें इतना ऐड किया कि हमारे चावल अच्छी तरीके से डिप हो जाए इसके अंदर। आप देख सकते हैं हम चावलों को अच्छी तरीके से बॉयल करेंगे 100% तक, क्योंकि हम इसे चाशनी में पकाएंगे तो ये अकड़ जाएंगे, टाइट हो जाएंगे, पत्थर जैसे हो जाएंगे, इससे हमारा मुत्तंजन ख़राब हो जाएगा। इसे हमें 100% कुक करना है अच्छी तरीके से। उसके बाद हम स्टैंडर की मदद से छान के फिर आपको दिखाएंगे इसका लुक। आप देख सकते हैं बॉयल आ चुका है इसके। अब हम इसे 8 मिनट तक कुक करेंगे, हमने कवर करके रख दिया 8 मिनट के लिए। 8 मिनट के ब्रेक कर फिर आपको दिखाएंगे इसका लुक। मुत्तंजन के लिए राइस बॉयल करने के लिए रखे थे, 8 मिनट हो चुके हैं इसका कवर हटा के आपको उसका लुक दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं कितने लंबे लंबे चावल हो चुके हैं, 100% कुक हो चुके हैं अच्छी तरीके से। अब उसको हम छानेंगे स्ट्रेनर की मदद से, जर्दे के चावल को छानेंगे, मुत्तंजन के चावलों को छानेंगे, इसी तरह तमाम चावलों को छानेंगे फिर आपको दिखाते हैं इसका लुक। यहाँ देख सकते हैं मुत्तंजन बनाने के लिए हमने एक पोट लिया है, पोट के अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 कप घी। ये देख सकते हैं हम 1/2 कप घी इसमें ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम 1/2 किलो को आपको मुत्तंजन बनाने का तरीका सिखा रहे हैं, 1 किलो में 1 कप घी जाएगा। अभी हम आपको 1/2 kg का मुत्तंजन बनाना सिखा रहे हैं, तो इसमें 1/2 कप घी ऐड करेंगे। इसमें 1/2 कप घी ऐड कर रहे हैं हम, तो परफेक्ट मुत्तंजन बनाने की रेसिपी है। आप भी इसी तरीके से इसे फॉलो कीजिएंगे 1/2 किलो का, तो बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होगा। आप देख सकते हैं मुत्तंजन बनाने के लिए हमने 1/2 कप घी डाल दिया था, वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है। इसके अंदर ऐड कर देंगे हम लौंग और हरी इलायची। इसको डालने से आपके जो मुत्तंजन है उसमें बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, 4 चांद लग जाते हैं आपके मुत्तंजन को। इसको 1 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे ताकि इसका फ्लेवर घी के अंदर शामिल हो जाए। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट, जिसमें बादाम, पिस्ते और किशमिश मौजूद है, इसे हम रोस्ट कर लेंगे। देख सकते हैं हमने ड्राई फ्रूट डाल के इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से रोस्ट कर लिया है, घी का फ्लेवर शामिल हो चुका है। चाशनी बनाने के लिए हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/4 कप पानी, क्योंकि आज हम बना रहे हैं आपके लिए मुत्तंजन चाशनी वाला मुत्तंजन, क्योंकि हमने पहले सिखाया है वो इस तरीके से नहीं सिखाया है, वो थोड़ा मुनफरद तरीके से सिखाया, मगर वो भी बहुत ही आउट क्लास, बहुत ही ज़्यादा यम्मी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तारीफ अपने मुँह से मैं क्या कहूँ, आपको ट्राई कीजिएगा और बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि कैसा बना था वो मुत्तंजन, इस बार का भी ट्राई कीजिएगा। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 कप मिल्क। हाँ देख सकते हैं मिल्क और हमने वाटर इसके अंदर ऐड कर दिया है 1/4 कप 1/4 कप, मतलब दोनों चीज़ों को मिलाएंगे तो हमारा ये बन जाएगा 1/2 कप। तो ये चीज़ हमने ऐड कर दी है इसके बनाने के लिए, आपको भी इसी तरीके से फॉलो करना है रेसिपी को।
यहाँ देख सकते हैं आधा किलो चावल में आधा किलो शुगर जाती है, तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा किलो शुगर। आधा किलो चावल होते हैं तो आधा किलो उसके अंदर शुगर ऐड किया हमने। अब कम खाते हैं तो कम ऐड कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। अब हम इसकी बनाएंगे चाशनी। इसको अच्छी शुगर को अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेंगे। माशाल्लाह यहाँ देख सकते हैं शुगर अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है, डिजोल्व हो चुकी है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे स्ट्रेनर से जो हमने चावल छान लिए थे, वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये पूरे हमारे हाफ के जी चावल हैं जिसे हमने छान लिया था। यहाँ देख सकते हैं जो हमने स्ट्रेनर से छान लिए थे चावल, उसमें हमने ऐड कर दिया। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून केवड़ा एसन, जो हमारे मुतंचन को और ज़्यादा खुशबू बख्शेगा। खुशबू बख्शता है ये केवड़ा। अब हम इसे अच्छी तरीके से कर रहे हैं मिक्स। शीरे को हम चावलों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा इसका लुक आता जा रहा है। चावलों पर कितनी खूबसूरत सी शाइनिंग आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होता है मुतंचन जरदा मीठे चावल। अब हम इसे कवर करके रखते हैं 5 से 6 मिनट के लिए। देख सकते हैं जो शुगर ने पानी अपना रिलीज करना स्टार्ट कर, देख सकते हैं इसे हमें बिल्कुल ड्राई करना है। तो उसे हम दम पे रखते हैं। जो आपको नजर आ रहा है उसको हमने ड्राई करना है, तो हम तेज आंच पे उसको करेंगे ड्राई। इसे शीरा कह लें, पानी कह लें, जो कह लें, नजर आ रहा है आपको शुगर ने अपना पानी रिलीज किया। इसको हम हाई फ्लेम पे इसको करेंगे खुश्क, ड्राई करना है हमें। चावलों को 7 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे ताकि अच्छी तरीके से पानी ड्राई हो जाए, उसके बाद हम इसको लो फ्लेम पर दम पे रखेंगे। फिर हम इसको पानी ड्राई कर रहे हैं, तो हम इसे कवर करके रखते हैं 7 मिनट के लिए और बीच बीच में चलाते रहेंगे कहीं आपके चावल लग ना जाएं। तो 7 मिनट की ब्रेक है, फिर आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, हमने इसे हाई फ्लेम पर अच्छी तरीके से कुक कर लिया। इसका लुक चेक कर सकते हैं और पानी ड्राई हो चुका है, इसकी स्टीम बाहर निकल रही है, पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो। देखें देखिए चावल बिल्कुल खिला खिला नजर आ रहा है। यहाँ देख सकते हैं इसे हम दोबारा कवर करके रखेंगे 20 मिनट के लिए, लो बिल्कुल लो। थोड़ा बहुत पानी बचा है वो भी बिल्कुल ड्राई हो जाए। ड्राई होने का फिर इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, वो बहुत अहम स्टेप है मुतंचन के लिए। तो हम इसे 20 मिनट के ब्रेक फिर आपको दिखाएंगे इसका लो। मुतंचन हमने जो बना रहे हैं उसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 फूड कलर। इसके अंदर हम ऐड करेंगे ग्रीन, येलो एंड रेड। और किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे, किस तरीके से इसको ऐड करेंगे, ये आप देखते रहे हमारी वीडियो के साथ, फुल वॉच करेंगे तभी आप देख पाएंगे और आपकी समझ में भी आएगा कि मुतंजन कितना खूबसूरत बनके तैयार होता है, कितना अच्छा इसका फ्लेवर होता है, कितना अच्छा इसका लुक होता है, कितने अच्छे हम इसे गार्निश करते हैं। तो दिल थाम के बैठिए, यहाँ देख सकते हैं मुतंजन को 20 मिनट हो चुके हैं, इसका कवर हटा के आपको इसका लुक दिखा देते हैं। खूबसूरत सा मुतंजन 20 मिनट के अंदर दम पे आ चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे फूड कलर। मुतंजन का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम फूड कलर। अगर पानी मौजूद होगा और फूड कलर डाल देंगे मुतंजन के अंदर, आपस के अंदर तमाम कलर मिक्स हो जाएंगे। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे ग्रीन फूड कलर। अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं ग्रीन फूड कलर। अंदर ऐड करेंगे हम येलो फूड कलर। पिछली बार हमने आपको बनाना सिखाया था ग्रीन और रेड डाला था, अब हमने इसमें इजाफा किया है मुतंचन के अंदर कलर के अंदर, तो हमने इसमें ऐड कर दिया येलो फूड कलर। इसके अंदर ऐड करेंगे हम रेड फूड कलर। ये देख सकते हैं हम रेड फूड कलर इसमें ऐड कर रहे हैं। ग्रीन, येलो, रेड हमने इसमें फूड कलर्स में ऐड कर दिया, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बन के तैयार होता है ये मुतंचन। अब इसको हम कवर करके रखेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए दम पे। ये कलर आपस में मिक्स ना हो, उसे हम कवर करके रखते हैं 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे इसका लुक। देख सकते हैं 15 मिनट हो चुके हैं, मुतंजन को दम आ चुका है, इसका हम कवर पैक आपको इसका लुक दिखा रहे हैं। दिल थाम के बैठिए, अब आहिस्ता आहिस्ता हम इसका खोलेंगे कवर और आपको दिखाएंगे इसका लुक। चलो माशाल्लाह यहाँ देख सकते हैं मुतंजन हमारा रेडी हो चुका है, इसका चला के दिखा दें। चला के यहाँ देख सकते हैं मुतंजन रेडी हो चले माशाल्लाह यहाँ देख सकते हैं कितना खूबसूरत से मुतंजन रेडी हो चुका है। इसको डिश आउट करने का दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। मुतंजन को कर रहे हैं डिश आउट, देख सकते हैं कितना डिश आउट करने का दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। चलो माशाल्लाह यहाँ देख सकते हैं हमारा मुतंजन रेसिपी हो चुकी है कम्प्लीट रेडी। हमने गार्निश कर रहा है बादाम पिस्ते किशमिश और चमचम के साथ, खोए के साथ और चांदी के वर्क के साथ। ज़्यादा यमी, बहुत ही ज़्यादा डिशेस बनके तैयार होता है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है क्योंकि इतना कलरफुल सा बनता है, हर शख्स का खाने का दिल चाहता है मुतंचन। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, इसी तरह देखते रहें हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।